अगली खबर लखनऊ से, जहां विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश होगा। 20,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पेश होने का अनुमान है। बजट में बुंदेलखंड को खास तवज्जो दी गई है। बुंदेलखंड में हर परिवार के लिए समाजवादी पेंशन की व्यवस्था की गई है। हर योग्य महिला को पेंशन योजना से जोड़ने की योजना है। इसके साथ ही बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 45,000 करोड़ की व्यवस्था भी है। वाराणसी और कानपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट भी बजट में शामिल है। इसके साथ साथ बजट में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का भी प्रस्ताव है। तो आज अनुपूरक बजट पेश होगा, इसमें बुंदेलखंड को खास तवज्जो दी गई है। हालांकि चुनावी साल है, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ खास बातें रहती हैं इस बजट की। इसके साथ ही बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी 45,000 करोड़ का प्रस्ताव इस बजट में होगा। वाराणसी और कानपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट भी इस बजट में शामिल है। तो बजट में आपको बता दें, करीब 30,000 करोड़ का अनुपूरक बजट होगा। अनुपूरक बजट में किसान राहत पैकेज का प्रावधान होगा। बता दें आपको क्या कुछ खास रहने वाला है। ऊर्जा से संबंधित उदय योजना को लेकर भी प्रावधान है। इसके साथ साथ सहकारी बैंकों के रिवाइवल को लेकर भी अनुपूरक बजट में बात होगी। लखनऊ और कानपुर मेट्रो के लिए भी अनुपूरक बजट है। इसके साथ साथ लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के लिए भी अनुपूरक बजट में प्रस्ताव होगा। इसके साथ ही करीब 30,000 करोड़ का ये अनुपूरक बजट होगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और इस अनुपूरक बजट में किसान राहत पैकेज का प्रावधान। तो आज अनुपूरक बजट पेश होना है। ज्यादा जानकारी के साथ चलते हैं हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, अमितेश श्रीवास्तव। अमितेश, चुनावी साल है तो किस तरीके से इसको जोड़कर देखा जा सकता है अनुपूरक बजट से, या फिर क्या कुछ खास बातें होंगी अनुपूरक बजट की? देखिए प्राची, ये समाजवादी पार्टी सरकार का अंतिम बजट है और अनुपूरक बजट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 30,000 करोड़ का अनुपूरक बजट होगा ये अनुमान लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसानों को राहत देने के लिए खासतौर पर सरकार किसानों को एक तोहफा देगी। और तकरीबन बुंदेलखंड के जो तमाम सूखा ग्रस्त इलाके हैं वहाँ के किसानों को राहत देने के लिए तकरीबन 4600 करोड़ का बजट में इसमें प्रावधान होगा। साथ ही जो मेट्रो का काम है, लखनऊ मेट्रो की बात करें या फिर कानपुर में की बात करें, तो उस पर भी धन देने का इसमें प्रावधान किया जाएगा। और साथ ही जो लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस बन रहा है उस पर भी उसको भी धन आवंटित करने के लिए अनुपूरक बजट में एक अच्छा खासा जो रकम है वो दिया जाएगा। साथ ही लखनऊ बलिया एक्सप्रेस वे पर भी सरकार मेहरबानियां दिखाएंगी। तो आज तकरीबन 12:20 का जो वक्त होगा वो उस वक्त मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अनुपूरक बजट पेश करेंगे। हालांकि सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस और बीएसपी ने जमकर हंगामा किया है। तो फिलहाल 30,000 करोड़ का जो अनुपूरक बजट है वो आज पेश करेंगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। बिल्कुल मितेश, अनुपूरक बजट की बात करें तो अगर बात महिलाओं की करें तो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास देखा जा सकता है इस बजट में? देखिए, अनुपूरक बजट की बात करें तो अनुपूरक बजट में सरकार की कोशिश ये रहेगी कि जो योजनाएं चल रही हैं, नई योजनाएं शुरू करने की कोई अभी फिलहाल सरकार की मंशा नहीं दिख रही है, जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उस पर खासतौर पर फोकस होगा। बुंदेलखंड की हम बात करें तो बुंदेलखंड के तमाम इलाके सूखाग्रस्त हैं, वहां पर सरकार तकरीबन 4600 करोड़ का जो बजट है वो देगी किसानों को। उदयन योजना के तहत भी किसानों को उदयन योजना पर भी खासतौर पर कृपा दिखाएगी सरकार। और सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ टू बलिया एक्सप्रेस वे, जिसको समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कहा जाता है, उस पर भी फोकस करेगी। उस पर भी अच्छा खासा जो धन है वो आवंटित किया जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भी खासतौर पर जो अच्छी खासी रकम है वो सरकार देगी। तो 30,000 करोड़ का ये अनुपूरक बजट है। हालांकि पहली बार ऐसा हो रहा है प्राची की मेन बजट से, जो मुख्य बजट है, उससे पहले अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है। और इसको लेकर जो विपक्षी दल है उन्होंने भी खासा, आपको याद होगा, हंगामा किया था। उनका कहना था कि पहली बार इस तरह का जो प्रावधान है वो सरकार कर रही है। तो महिलाओं के लिए भी फोकस किया गया है, हर वर्ग महिलाओं हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बुंदेलखंड हो, सब पर फोकस इस बजट पे किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।